हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम टू बी एर सो इन प्ले लिस्ट लेट्स टॉक अबाउट द सी एन एल यू पटना अगर आप टॉप एंड यू टारगेट करना चाहते हो लोकेटेड हो बिहार से यूपी से देन कहीं दूर क्यों जाना सीएनएल यू पटना अपने आप में एक पहचान है जो कि ऑफनली जानी जाती है द जज मेकिंग फैक्ट्री एग्जैक्टली वाई इसके बारे में हम इन डिटेल बात करने वाले आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाई जज अगर निकलते हैं तो सबसे ज्यादा पटना से, से निकलते हैं या बिहार से निकलते हैं विल टॉक इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो यहां हम बात करेंगे अबाउट इट आखिर चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना हमें क्यों टारगेट करनी चाहिए इसकी कैंपस फैसिलिटीज के बारे में बात करेंगे कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे आइदर इट्स वर्थ इट और नॉट सीट इंटेक यहाँ कितने हैं क्या बिहार रेसिडेंट के लिए सीट्स यहाँ है ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए यहाँ कितनी सीट्स है उसके बारे में बात करेंगे कट ऑफ क्या कहता है किस पर्टिकुलर रैंक रेंज में आपको आना चाहिए फीस स्ट्रक्चर क्या है आइदर फीस हाई है या नहीं है वर्थ इट है या नहीं प्लेसमेंट स्टैट्स क्या कहते हैं क्यों इसे जज मेकिंग फैक्ट्री कहते हैं सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले गाइज चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहां आपको काफी सारे इन्फॉर्मेटिव मिलने वाले बिफोर मूविंग स्टार्टेड द द बैचेस एट बी सो वन प्रिपरेशन फॉर क्लैट एंड एंट्रेंस एग्जाम यू कैन ज्वाइन आवर क्लासरूम सेशन एट घाटकोपर दादर एंड डोमली एंड इवन यू कैन इंटरेक्ट लाइव विथ सो कॉल ऑन रिस्पेक्टिव नंबर जो भी आपके डाउट है मुझे यहां पूछ लो गाइज सेपरेट बैच हमने लॉन्च की है यहां से क्लैट के स्टूडेंट बैठने वाले हैं देर विल भी नो मिक्सिंग विद अदर स्टूडेंट्स सब कुछ मिलने वाला है यहाँ गाइज यहाँ डाउट क्लास होंगे मेंटरशिप गाइडेंस मोटिवेशन थ्रू आउट द प्रोसेस रहने वाला है सो डाउनलोड अवर ऐप नाव टू गेट द फ्री रिसोर्सेज एंड फ्री मॉक इस मॉक को अटेम्प करो क्या स्कोर आ रहा है क्या हम क्लैट क्रैक कर सकते हैं येस yes, आप कर सकते हो सो so, सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब फेसबुक इंस्टा और टेलीग्राम पर सो so, चलते हैं पटना और बात करते हैं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में ज ए लीडिंग लॉ कॉलेज सिचुएटेड एट मिथापुर पटना बिहार न्यायनगर, इट वॉज स्टैब्लिश इन 2006 थाउजेंड एंड सिक्स इनाइटेड द बिहार स्टेट लेजिस्लेटर काफी देर बाद इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई ऑल अगर मैं कहूं गणतंत्र या फिर रिपब्लिक का जो जन्म है वो बिहार से हुआ वो पटना से हुआ और यहीं से लोकतंत्र क्या है इसकी शुरुआत हुई तो स्टेट को जरूर लगा कि यहां भी कुछ लीगल प्रोफेशनल होने चाहिए क्वालिटी लीगल एजुकेशन होना चाहिए और उसी की वजह से इस यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट हुई टू में फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द स्टेट एक्रेडिटेड विथ ए ग्रेड बाय नैक एंड नंबर वन लीगल इंस्टीट्यूट इन बिहार जिसे ओपन कहा जाता है जज मेकिंग फैक्ट्री अगर मैं बात करूं इसके एमओयू की देन विस्टूला यूनिवर्सिटी पोलैंड से इनका एमओयू है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम यहां होते हैं फोर्ट वाली स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए उनके साथ भी होते हैं और इसी की वजह से यहां इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपको मिलता है और इसी की वजह से जो यहाँ के हाईएस्ट प्लेसमेंट स्टैट्स हैं वो काफ़ी अमेजिंग होते हैं अब बात करते हैं रैंकिंग को लेकर सो सी एन ओल्यू इज रैंक लेवेंथ इन इंडिया एमंग ऑल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज सो ओवरऑल 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है उसमें से लेवेंथ नंबर पर आपका सी एन पटना आता है और अगर आप नॉर्थ रीजन से हो तो मैं कहूंगा कि भाई आप लखनऊ और बिहार पटना इन दो एन एल ए को तो ट्राई करना बनता ही है अप्रूव बाई बी सी आई यूजीसी वेरियस लीगल प्रोग्राम लाइक बी एल एल बी बीबीएलएल पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम यहाँ से परसू कर सकते हो एंड इवन पी एच डी प्रोग्राम्स सो वेरियस अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च डिग्री एंड पीजी डिप्लोमा कोर्स के साथ दे इंडिया टूडे की बात करू देस एट नंबर ट्वेल्थ ऑल ओवर इंडिया इन टर्म्स ऑफ ऑल दी लीगल इंस्टीट्यूट सो क्यों ना टारगेट करे भाई जब इतनी अच्छी रैंकिंग है डेफिनेटली हमें ट्राई करना चाहिए आते हैं कैंपस और उसकी फैसिलिटीज के बारे में सो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द पाइनअरिंग लॉ यूनिवर्सिटी इन इंडिया स्प्रीड अक्रॉस एटीन एकर्स भाई जगह कम है कैंपस छोटा है लेकिन यहाँ सब कुछ है हॉल ऑफ लर्निंग जिसे जाना जाता है एकेर ब्लॉक से यहाँ हॉल ऑफ एटीआर भी है निशांत निलयम द स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी जहां लाइब्रेरी में आपको सब कुछ मिलने वाला है पूरा वाई का एक्सेस है पूरे कैंपस में कॉन्फ्रेंस हॉल है स्टल है फॉर बॉय गर्ल्स ऑडिटोरियम की फैसिलिटी है स्मार्ट क्लासरूम्स है जो प्रोजेक्टर से इनबिल्ड है एकेडमिक ब्लॉक भाई देखते ही लगेगा कि यूनिवर्सिटी हो तो ऐसी हो यहाँ हो लस ग्रीन कैंपस है सो so, मन बहलता रहेगा कि हाँ भाई पढ़ाई करे तो ऐसी जगह पे जरूर करें स्पोर्ट्स की फैसिलिटी कहूं तो वो भी बेहतरीन है जिमनाजियम की फैसिलिटी है कैंटीन फैसिलिटीज है आप चाहे क्रिकेट का ग्राउंड कहो या फिर आप कहो कि टेनिस का कोर्ट चाहिए या फिर वॉलीबॉल कोर्ट चाहिए ईच एंड एवरी फैसिलिटी यू कैन फाइंड एट सी एन एल यू पटना कनेक्टिविटी की बात करूं मितापुर बस स्टॉप नजदीक है रेलवे स्टेशन से सिर्फ 3.3 किलोमीटर की दूरी पर है एयरपोर्ट की बात करूं देन ओनली 4 किलोमीटर की दूरी पर है सो so, कनेक्टिविटी तो बेहतरीन है आप ट्राई कर सकते हो सीएनएल पटना चाहे आप भारत के किसी भी कोने से हो सो so, कैंपस और फैसिलिटी के लिए एक ही वर्ड में कहूंगा जस्ट अमेजिंग अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में सो so, यहां आप बीएलएलबी और बीबीएलएलबी दोनों प्रोग्राम परसू कर सकते हो बेसिकली वो स्टूडेंट जिन्होंने ट्वेल्थ कॉमर्स फील्ड से किया है तो आप चूज कर सकते हो बीबीएलएलबी प्रोग्राम इधर आप बीएलएल करना चाहते हो कर सकते हो आपको देना है सिर्फ क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एलिजिबिलिटी कहती है कि टेन प्लस टू आपने पास किया होना चाहिए या फिर आप अपेयरिंग कैंडिडेट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स चाहिए आपके जनरल ओबीसी पीडब्ल्यू डी एनआरआई पी आई ओ या फिर ओ सी आई कैटेगरी से लेकर और फोर्टी परसेंट मार्क्स चाहिए एस सी एस टी कैटेगरीज को लेकर देर इज नो अपर एज बार सो एज लिमिट कुछ नहीं है आप कभी भी किसी भी उम्र में ट्राई कर सकते हो बी एल एल भी प्रोग्राम पर शू करना बी एल एल बी या बीबीएलएलबी ट्राई कर सकते हो क्लैट के लिए अगर आपको लीगल लेजेंड बनना है देन क्लैट इज मस्ट मैक्सिमम मार्क्स हो तो 120 है पहले ये होती थी 150 मार्क की एग्जाम टाइम ड्यूरेशन काफी अच्छा है पहले 150 क्वेश्चन के लिए आपको टू आवर्स मिलते थे अब भी आपको 120 ट्वेंटी क्वेश्चन के लिए टू आवर्स ही मिल रहे यानी कि भाई टाइम तो अच्छा मिल गया वन मिनट वन क्वेश्चन अब इसके लिए आपकी चाहिए अच्छी खासी स्पीड और स्पीड के लिए चाहिए आपके पास शॉर्टकट ट्रिक्स वो मेंटरशिप वो गाइडेंस वो मिलने वाला है आपको बी केयर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले 120 ट्वेंटी क्वेश्चन फॉर वन मार्क ईच नेगेटिव मार्किंग सो भाई तुक्का वगैरह लगाना नहीं है प्रिपरेशन इतना अच्छा करो कि तुक्के की नौबत ना आए सब्जेक्ट एरियाज विथ वेटेज इंग्लिश लैंग्वेज

एस सी ऑफ बिहार ट्वेंटी टू एस टी ऑफ बिहार वन सीट एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस ई बी सी ऑफ बिहार ट्वेंटी फाइव आपके पास रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए गाइस और ये डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए एज पर दी गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है सो मेक श्योर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है डॉक्यूमेंट बना लो अभी बैकवर्ड क्लासेस फ्रॉम द बिहार सेवनटीन सीट्स वीमेन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस फोर सीट सो ओवरऑल 138 थर्टी एट सीट्स है और इसमें से सिक्सटी नाइन सीट्स जो है वो बी एल एल बी के लिए फिल हो सकती है और सिक्सटी नाइन जो सीट्स है वो होगी बीबीएलएल के थ्रू फील ओके ऑल मेंशन रिजर्वेशन आर वर्टिकल रिजर्वेशन इन नेचर फाइव परसेंटल रिजर्वेशन शाल बी एप्लीकेबल फॉर पीडब्ल्यू डी विच क्योंकि एक्सचेंज प्रोग्राम भी होते हैं तो फॉरेन नेशनल्स के काफी सारे कैंडिडेट्स भी ट्राई करते हैं और भाई सी एन एल्यू पटना क्यों ना करे आखिर जज मेकिंग फैक्ट्री जो है बात करेंगे गाइस आगे सो कट ऑफ क्या कहता है कट ऑफ ये कहता है कि भाई जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो आपका जो रैंक होना चाहिए 628 से लेकर 1242 के बीच होना चाहिए यानी जो सेप रैंक आप टारगेट करो थाउजेंड के आसपास देखो इस कंपटीशन बढ़ रहा है हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी काफी अप्लाई कर रहे हैं सो आपका जो सेप टू फाइव होना, होना ही चाहिए सीएनएल पटना के लिए चाहे पेपर पैटर्न चेंज हो चुका हो ट्राई करो 90 तक पहुंचने का एटी टू 85 फाइव इजिली आपके आ सकते हैं और यहां अगर आ गए तो इस पर्टिकुलर रेंज में आप आओगे सो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है ना उसे ट्राई करो अगर आप कैटेगरी कैंडिडेट हो तो भी आपको जनरल कैटेगरी के जो रैंक है उसको टारगेट करना है तब उसके नियर बाय आप पहुंच सकते हो और आपका एडमिशन इजीली हो सकता है ईबीसी कैटेगरी ऑफ बिहार फिफ्टीन टू दी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सेवेंटी बैकवर्ड कैंडिडेट टू थाउजेंड एंड फिफ्टी टू थाउजेंड नाइन एससी से स्टार्ट हो चुका था गाइज ये चेंज हो सकता है अगर आपने अच्छी मेहनत की है आपका रैंक यहाँ शो करेगा वो भी ओपनिंग रैंक में ऐसा आपको माइंड में रखना है कि भाई मेरा एडमिशन तो हो ओपनिंग रैंक शुरुआत जो हो वो मुझसे हो पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए भी यहाँ सीट है जैसे कि मैंने कहा फाइव परसेंट सीट यानी कि सेवन सीट्स है सो ओवरऑल सीट इंडेक्स और कट ऑफ के बारे में हमने बात कर ली अब आते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में सो आई वर्थ इट ट्यूशन फी की बात करून वन लैख एंड फोर्टीन थाउजेंड नाइन फिफ्टी पर एनएम की फीस स्ट्रक्चर है फीस हाई नहीं है गाइज अगर मैं बात करूं कुछ टॉप एनएल को लेकर वहां आपको फीस मिल जाएगी टू लैख एंड एटी थाउजेंड यहाँ आपको फीस मिलने वाली टू लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड फोर सेवेंटी रुपीज पर एनएम फॉरेन नेशनल्स को लेकर फोर लैख थर्टीन थाउजेंड एंड टू सेवेंटी रुपीज पर एनएम ये जो फीस है आपकी फर्स्ट ईयर की है सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपकी फीस जो है वो अलग रहने वाली है लेकिन फिर भी आप टारगेट रखो कि भाई इतनी फीस तो मुझे इन्वेस्ट करनी है यानी पाँच साल में आप ओवरऑल एट से टेन लाख फीस का इन्वेस्ट करने वाले हो सो इट्स वर्थ इट क्या वर्थ है सी पटना ज्वाइन करना है या नहीं इसके बारे में बात करेंगे लेकिन गाइज यहां मैं बता दूं इनकी काफी सारी स्कॉलरशिप स्कीम भी चलती है सो so उसका बेनिफिट उठाने के लिए आपको क्लैट में अच्छे मेरिट से पास होना होगा और क्लैट में अगर आपका रैंक अच्छा आ गया देन आपकी जो ट्यूशन फी है इसमें काफी हद तक वेव हो सकता है और यह आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी खुद यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी काफी सारे स्कॉलरशिप स्कीम चलाती है सो so, उसका बेनिफिट भी आपको उठाना होगा उसके लिए क्या करना है क्लैट में अच्छा स्कोर लाना है सो so, अब बात करते हैं कि भाई प्लेसमेंट स्टैट्स क्या कहते हैं so, सो अगर मैं ईयर बाई ईयर बात करूं टू में जो पैकेज गया था वो अप्रॉक्स गया था नाइन लाख रुपीज पर इन का 2021 की बात करूं देन सेवन लैक एंड फिफ्टी एट थाउजेंड का पैकेज गया था दैट इज मीडियम पैकेज एंड 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की स्टार्ट की बात करू then यहां गया था टेन लैक एंड टेन थाउजेंड लैक द मीडियन पैकेज सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस 127 नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस 112 स्टूडेंट प्लेस और जो 15 स्टूडेंट्स थे वो गए थे हायर स्टडीज के लिए अगर ये 15 नहीं जाते तो भाई 127 के 127 पूरे प्लेस हो जाते और प्लेसमेंट रिकॉर्ड हो जाता आपका 100% सो so, कभी भी आप जब प्लेसमेंट स्टैट्स देखो हमेशा ये देखो कि हायर स्टडीज के लिए भी कितने कैंडिडेट गए हैं यहाँ जो प्लेसमेंट स्टैट्स काफी सारे स्टूडेंट कहते थे कि भैया प्लेसमेंट तो अच्छा नहीं है सी एन पटना का क्या करे वहां जाकर अरे क्या करे ये है जज मेकिंग फैक्ट्री ऐसे ही नहीं कहा जाता आप देखोगे हाई कोर्ट आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर एक कैंडिडेट अगर है तो वो मैक्सिमम पटना से और पटना जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो आपको काफी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है यहाँ के हॉनरेबल जस्टिस है उन्होंने काफी अच्छे स्कीम चलाए ताकि सीन एलू पटना के स्टूडेंट्स है उनको कंप्लीट एक्सपोजर मिल सके डोमेस्टिक कोर्ट का और वहां वो काफी सारे सीनियर एडवोकेट के अंडर इंटर्नशिप कर सकते हैं उनके अंडर सीख सकते हैं ताकि उनका अगर सपना है कि भाई मैजिस्ट्रेट लेवल तक मैं पहुंच जाऊं एक हाईएस्ट लेवल तक तो मैं क्यों ना पहुंच सकूं और यही से एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन भी करते हैं और आफ्टर गेनिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रैक्टिसिंग दे बिकेम द जज सो माई फ्रेंड्स जो बीज बोया गया है ना वो बोया गया है सी एन एल यू की तरफ से यहां काफी अच्छी स्कीम्स है जिसके थ्रू आप जज तक बन सकते हो सो so वाकई अगर जज बनना है तो भाई सबसे सब बेस्ट इंस्टीट्यूट है सी एन एल यू पटना और इसीलिए इसे कहते हैं द जज मेकिंग फैक्ट्री नेशनल लॉ फॉर्म्स आपको प्रोवाइड करने वाले एट लाख टू फोर्टीन लाख पर एनम का पैकेज इंटरनेशनल लॉ फॉर्म्स प्रोवाइड करेंगे सेवनटीन पॉइंट फाइव टू ट्वेंटी लाख पर एनम का पैकेज और कॉरपोरेट ये आपको प्रोवाइड करेंगे फोर पॉइंट फाइव टू टेन लाख पर एनम का पैकेज सो so, ओवरऑल अगर मैं बात करूं सी एन एल ओ पटना इज वर्थ इट ट्राई कीजिएगा जरूर अगर आप नॉर्थ से हो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है बस विजिट कीजिए पटना और पटना में आपको ये सारे टॉप लीगल फॉर्म्स इजीली मिल जाएंगे जो आपको रिक्रूट करेंगे और सबसे सब बेहतरीन द पटना हाई कोर्ट मैंने बात कही आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेकर आप हाई कोर्ट के जो लीगल लेजेंड्स हैं इनके अंडर भी काफी कुछ प्रैक्टिस करने वाले हो सो क्यों ना भाई जिनके अंदर हम प्रैक्टिस करें हम कहते हैं ना कि भाई हमने गुरु को देखा गुरु जैसा हमें बनना है और गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे दो कदम आगे हो तो जब आप यहां शिक्षा हासिल करोगे जरूर आप अपने गुरु से आगे बढ़ने वाले हो और इसी मोटो के आधार पर सीएनएल पटना आपका वेट कर रहा है सो so, क्लैट का प्रिपरेशन कीजिए सीएनएल पटना में एडमिशन लीजिए और पूरा फायदा उठाए सीएनएल पटना के वेरियस स्कीम्स की जिनसे आप डोमेस्टिक कोर्ट पटना हाई कोर्ट यहां से प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सको सो लेट्स टारगेट सीएनएल पटना Join us at League, Ghatkopar and Dadar for the clad preparation. And in case you are pan-India student, you can interact live with us. Call on 838 Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And follow us on Telegram, YouTube, Facebook and Instagram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.